अगर आपके पास 13,37,187 करोड़ रुपया है तो आप HDFC बैंक खरीद सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालाइज हमें कैसे करना चाहिए, फंडामेंटल एनालाइज क्या होता है, A to Z डिटेल्स। अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते हैं तो हम गारंटी कहते हैं कि आप 100% एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग यहां पे सीखेंगे फंडामेंटल एनालाइज। फंडामेंटल एनालाइज जब आप करेंगे तब जाकर के आप इन्वेस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको पैसे मिलते हैं। तो किसी भी स्टॉक को आपको फंडामेंटल एनालाइज करने के लिए बहुत ही आसान है, उस स्टॉक में जाना है। उस स्टॉक को जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप ऊपर करते हैं तो आपको यहां पर दिख जाएगा फंडामेंटल एनालाइज। इसी को हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल एनालाइज में ये मार्केट कैप क्या होता है, ROE क्या होता है, PE क्या होता है, EPS क्या होता है, PB क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इंडस्ट्रीज कोड क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, डेबिट टू इक्विटी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फेस वैल्यू क्या होता है। ये सारे चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे और परफेक्ट हम लोग इन्वेस्टिंग करना सीख जाएंगे। तो अगर आपको परफेक्ट इन्वेस्टिंग करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आप 100% एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो साथियों देखेंगे कि यहाँ पे HDFC बैंक है। अब HDFC बैंक के फंडामेंटल हम लोग आ चुके हैं फंडामेंटल एनालाइज में। अब देखो HDFC बैंक के फंडामेंटल एनालाइज हमें क्या कहती है। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझो। मार्केट कैप का मतलब होता है कि अभी मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, इस कंपनी को अगर आपको खरीदना है, अगर HDFC बैंक को अगर आपको खरीदना है तो 13,37,187 करोड़ अगर आपके पास रुपया है तो आप HDFC बैंक को खरीद सकते हैं। यानी कि इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट में अगर ये कंपनी बिकेगी तो 13,37,187 करोड़ में ये कंपनी बिक जाएगी। इसी को कहते हैं हम लोग मार्केट कैप, मतलब मार्केट को की एथिकल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो अभी मार्केट में चल रही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ROE। ROE का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आखिर कंपनी कितने परसेंट का रिटर्न निकाल रही है इक्विटी के ऊपर, मतलब कितने परसेंट का कंपनी रिटर्न निकाल रही है, ठीक है। तो जो जितना परसेंट का रिटर्न निकालेगा उतना बढ़िया। तो ये HDFC बैंक को अगर हम लोग देखते हैं तो HDFC बैंक 14.42% का रिटर्न निकाल रही है। यानी कि कंपनी 14% से प्लस, लगभग 14.5% के आसपास रिटर्न निकाल रही है। यानी कि रिटर्न जितना इसके पास कैपिटल है उस हिसाब से ये जो प्रॉफिट कर रही है वो 14.42% ऑन इक्विटी के आधार पर इनकी प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करते हैं, जो थर्ड हमने पास है PE रेशियो। PE का मतलब क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। PE का मतलब क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है, एक रुपया कमाने के लिए, सिंपल एक रुपया कमाने के लिए आपको HDFC बैंक में कितने रुपया लगाना पड़ेगा, इसी को कहते हैं PE रेशियो। मतलब किसी भी स्टॉक का PE रेशियो अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब एक रुपया कमाने में उसका जो भी एज ए PE रेशियो है इतना रुपया आपका खर्च होगा एक रुपया कमाने में। तो आप यहाँ पे देखेंगे PE रेशियो का यहाँ पे क्या है, लगभग 19.5-20 रुपया के आसपास आपको खर्च करना पड़ेगा HDFC बैंक में एक रुपया कमाने के लिए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं PE रेशियो। तो किसी भी स्टॉक का आप निकालेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं EPS। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के हिसाब से ये HDFC बैंक है। तो एक शेयर के हिसाब, मतलब एक शेयर इसका कितना का है, अभी देखेंगे एज ए मार्केट प्राइस 1752 रुपये का। तो एक शेयर के हिसाब से ये कितने रुपए कमा पा रही है, तो पर शेयर के हिसाब से ये 89.36 रुपये कमा रही है। यानी कि एक शेयर के हिसाब से ये लगभग 89.5 रुपये के आसपास ये कमा रही है। 89.36 रुपीज़ ये पर शेयर के हिसाब से EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के हिसाब से ये 89.36 रुपये कमा रही है, कौन, HDFC बैंक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं PB रेशियो। PB रेशियो का मतलब क्या होता है, PB रेशियो का मतलब होता है प्राइस वैल्यू रेशियो, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस बुक, ठीक है। यानी कि PB
प्राइस बुक वैल्यू रेशियो, जो यानी कि प्राइस बुक वैल्यू रेशियो इसका क्या है। तो प्राइस बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पे विस्तार में भी है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं फिर आपको विस्तार में समझा देंगे। प्राइस बुक वैल्यू रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपको जो इसका प्राइस बुक वैल्यू है, एज ए एग्जाम्पल कि आपने अगर HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है और किसी भी कारणवश HDFC बैंक बंद हो जाती है, ठीक है, HDFC बैंक अगर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आपको एक रुपये के यानी कि 2.83 रुपये के बदले में आपको 1 रुपया मिलेगा। अगर HDFC बैंक बंद हो जाती है और आप इसका शेयर लेके बैठे हैं तो आपको क्या होगा, तो आपको यहाँ पे 1 रुपये के बदले में, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2.83 रुपये के बदले में 1 रुपये, मतलब 1 रुपये आपको लेने के लिए कितना रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट कर लग जाएगा, 2.83 रुपये, समझ में आ रहा है। यानी कि 2.83 रुपये के बदले में आपको 1 रुपया मिलेगा, कब, जब HDFC बैंक बंद हो जाएगा तब, ठीक है, अगर बंद हो जाती है तो। अब इसी को हम लोग कहते हैं PB रेशियो। अब कितना मिलेगा, अब यहाँ पे देखेंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको पता चल जाएगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आपको पास एज एग्जांपल कि 1 शेयर है और कल होकर के किसी भी कारण बस रात रात ही HDFC बैंक बंद हो गया, ठीक है, तो आपको 1 शेयर पे 619 रुपया मिलेगा। अभी जो आपका शेयर का कीमत कितना है वो 1752 रुपया है, लेकिन अगर रातों रात अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 619 रुपया 75 पैसा। इसी को कहते हैं बुक वैल्यू यानी कि PB रेशियो, ठीक है। तो 1 शेयर के हिसाब से आपको मिलेगा 619 रुपया, तो ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान से आप जरूर देखिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह है डेबिट टू इक्विटी। डेबिट टू की इक्विटी क्या होता है, ठीक है, और डेबिट तो ये सब क्या होता है, चलिए पूरी डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा कि अगर आप किसी भी जगह पे, मान लीजिए आपने क्या किया है किसी भी कारणवश कि अगर आपके पास शेयर है तो आपको पता है मतलब इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, जो कंपनी अर्निंग करती है उस हिसाब से अपने शेयर को एक डेबिट टू डिविडेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिविडेंट। यहाँ पे कुछ अलग टाइप से लिखे हुआ, ठीक है, तो ये डिविडेंट है, ठीक है। डिविडेंट का मतलब सिंपल है, बहुत ही आसान है कि आपको डिविडेंट ये कंपनी कितना बांटती है, यानी कि जो कंपनी के पास शेयर होल्डर है उसको कंपनी डिविडेंट कितना बांटती है, ठीक है। ये डिविडेंड क्या होता है कि जितना भी आपने एज ए शेयर ले रखा है उसी को हम लोग जब कंपनी में प्रॉफिट होता है उस हिसाब से जो कंपनी बांटती है उसी को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड कंपनी कितना परसेंट देती है अपने प्रॉफिट का, तो कंपनी यहाँ पे देखेंगे अपने प्रॉफिट, जो कंपनी की प्रॉफिट होती है तो अपने प्रॉफिट में से 1.11% कंपनी डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर को। मतलब कंपनी कितना परसेंट शेयर होल्डर को बांटती है प्रॉफिट का, उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड का मतलब सिंपल है कि 1.11% HDFC बैंक डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर का, किस में से, अपने प्रॉफिट में से कितना परसेंट, 1.11% बांटती है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर का, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज पी का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज़ में ये कितने नंबर पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज पी कोई बड़ी वैल्यू नहीं होता है, इंडस्ट्रीज पी से उतना कोई खास आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और बुक वैल्यू हम आपको बता दिए। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि ये इंडस्ट्रीज़ में कितने नंबर पर इसका फेस वैल्यू चल रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में 1 नंबर पर है, ठीक है, इसका फेस वैल्यू HDFC बैंक का 1 नंबर पर फेस वैल्यू है। और उसके बाद यहाँ पे है डेबिट टू इक्विटी। डेबिट टू इक्विटी क्या होता है, ये डिविडेंड था, ये डेबिट टू इक्विटी होता है। तो डेबिट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है, तो डेबिट टू इक्विटी का मतलब होता है कि 1 रुपया के ऊपर कंपनी कितना कर्ज लेकर रखा है, यहाँ पे 1 रुपया के ऊपर कंपनी कितना कर्ज ले रखा है, इसी को कहते हैं डेबिट टू इक्विटी। अब यहाँ पे देखेंगे तो HDFC बैंक के पास किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं ले रखा है, मतलब HDFC बैंक के ऊपर कर्ज नहीं है यार, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इस तरीके से आप फंडामेंटल एनालाइज यहाँ से कर सकते हैं और अच्छे कंपनी को चूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो फंडामेंटल में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ और ये क्वार्टरली, मतलब
महीने में क्या हो रहा है, ठीक है, क्वार्टरली 3 मंथ में क्या हो रहा है, एंड इसके बाद 1 ईयर में क्या हो रहा है, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें देखना क्या, सबसे पहले हम लोग रिवेन्यू पे जाएंगे। अगर रिवेन्यू पर जा करके देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 2023 में ये क्या है, 61 यानी कि इतनी करोड़ का, ये जितना भी है ये सीआर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा टोटल का टोटल ये सीआर में है, इतना पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 61,021 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ है जून 2023 में। सितंबर 2023 में देखेंगे 107,566 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे देखेंगे दिसंबर में 2023 में तो 115,016 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पर देखेंगे मार्च में तो 124,391 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पर देखेंगे जून 2024 में तो 116,996 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब इसका प्रॉफिट धीरे धीरे करके रिवेन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब ये कंपनी का रिवेन्यू कर रहा है, मतलब कंपनी ने कितना किया रिवेन्यू, मतलब कितना का ये बिजनेस किया, इसी के रिवेन्यू कहते हैं। अगर इसी हम लोग ये क्वार्टरली हम लोग देख रहे थे, इसी हम लोग ईयरली कर लेते हैं। अब ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो 2020 में कितना का ये और सेल किया हुआ है, 2021 में कितना है, 2022 में कितना है, 23 में कितना, और ये 24 में कितना, ठीक है। तो ये कंपनी के रिवेन्यू है। अब हम लोग चलते हैं कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर। अब देखो कंपनी के जैसे हम प्रॉफिट में जाते हैं तो ये क्वार्टरली है, मतलब 3 मंथ में कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे देख रहा है, कंपनी 3 महीने में कितनी प्रॉफिट कर रही है। अब देखोगे धीरे धीरे करके इस कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। ये 3 महीने के है, ये प्रॉफिट कंपनी का कितना कितना हो रहा है आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे जून 2024 में 12,403 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे देखेंगे सितंबर 2023 में 17,312 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पर देखेंगे दिसंबर 2023 में 17,718 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2024 में देखेंगे 18,013 करोड़ का प्रॉफिट है, एंड जून 2024 में देखेंगे 17,188 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर इसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से टच करके फिर हम इसे ईयरली कर लेंगे, मतलब साल में कितना कंपनी प्रॉफिट कर रही है। 2020 में देखेंगे 27,296 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में देखेंगे यहाँ पे 31,857 करोड़ का प्रॉफिट है। 2022 में देखेंगे यहाँ पे 38,151 करोड़ का प्रॉफिट है। 2023 में देखेंगे 46,149 करोड़ का प्रॉफिट है, और 2024 में देखेंगे तो 65,446 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट करते हुए जा रही है और अच्छी ग्रोथ है कंपनी का, तो इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट देखना है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेट वर्थ, ठीक है। नेट वर्थ पर जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी अपनी संपत्ति जो है, कंपनी की संपत्ति, उसमें कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। मतलब कंपनी नेटवर्थ बढ़ा रही है, ठीक है। कंपनी नेटवर्थ अपने आप को बढ़ा रही है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे 2020 में कंपनी की नेटवर्थ क्या थी, तो 17,06,935, ठीक है। तो इतनी करोड़ की कंपनी की नेट ऑफ वर्थ थी। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके कंपनी की नेटवर्थ क्या है, बढ़ते हुए जा रही है, ठीक है। इस हिसाब से अभी देखोगे, अभी फिलहाल 2024 में कंपनी की नेट ऑफ वर्थ क्या है, तो 4,69,779 करोड़ का नेट वर्थ कंपनी के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो कंपनी अपने आप क्या कर रही है, धीरे धीरे हर साल अपने आप को बढ़ा रही है, ठीक है। तो नेट वर्थ बढ़, मतलब नेट वर्थ जो कंपनी की है वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, रिवेन्यू देख सकते हैं, प्रॉफिट देख सकते हैं, नेटवर्थ देख सकते हैं, ईयरली और क्वार्टरली ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो कंपनी के सबसे पहले हमने फंडामेंटल एनालाइज में ये सारी चीज़ देखा, उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस शीट देखना सीख लिया। एंड इसके बाद अगर आप दूसरे किसी कंपनी का हम लोग यहाँ पे लेते हैं एज एग्जांपल, चलो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टाटा स्टील, ओके, चलो हम लोग ले लेते हैं टाटा स्टील का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे टाटा स्टील में, टाटा स्टील में आप यहाँ पे देखेंगे तो टाटा स्टील में यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट कैप, मार्केट की में कितनी इसकी औकात है, आप इसे खरीदना है खरीद सकते हैं। आरओसी यहाँ पे देखेंगे माइनस में है, पी रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस में है, ईपीएस देखेंगे यहाँ पे तो माइनस में है, और पीवी रेशियो देखेंगे यहाँ पे तो 2.30 के आसपास है, एंड यहाँ पे डिविडेंड देखेंगे तो ये 2.16% है, एंड यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो ये आपको 25.68 दिख रहा है, एंड यहाँ पे बुक वैल्यू अगर आप देखते हैं तो बुक वैल्यू 72.44 रुपीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और कंपनी को अगर फेस वैल्यू में देखेंगे तो फेस वैल्यू में टाटा स्टील 1 नंबर में कंपनी की फेस वैल्यू चल रही है। डेबिट टू इक्विटी के ऊपर देखेंगे तो 1 रुपये के ऊपर ये 95 पैसा का कंपनी ने कर्ज ले रखा है, मतलब 1 रुपये के ऊपर
95 पैसा का कंपनी का कर्ज है टाटा स्टील का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं नीचे तो नीचे देखेंगे रिवेन्यू, तो रिवेन्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है कंपनी का। एंड अगर हम लोग चलते हैं क्वार्टरली के बाद ईयरली रिवेन्यू हम लोग देख लिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉफिट में, तो क्वार्टरली प्रॉफिट में देखेंगे तो यहाँ पे जून 2023 में प्रॉफिट हुआ है, जबकि ये सितंबर 2023 में काफ़ी बड़ा कंपनी को लॉस हुआ है। दिसंबर 2023 में देखेंगे प्रॉफिट है, और मार्च 2024 में देखेंगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, और जून 2024 में देखेंगे तो प्रॉफिट है। अगर ईयरली हम लोग चलते हैं तो अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 2020 में प्रॉफिट किया है, 2021 में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, 2022 में काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 2023 में प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया है, और 2024 में देखेंगे तो कंपनी लॉस में आ चुका है, ठीक है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ धीरे धीरे कंपनी जो है सो बढ़ाते हुए जा रहा है, तो चलो ये भी कंपनी सही है, ठीक ठाक है, बट इन्वेस्टिंग के लिए हमें नहीं लग रहा है कि ये भी अच्छा है। कुछ दिन और हम लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे कर्ज भी देखने को मिल रही है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे माइनस में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए देख सकते हैं। दूसरी चीज़ टर्म एंड कंडीशन होता है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं तो बाई करते दौरान ये सारे चीज़ तो देखते ही देखते हैं, बट उसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है प्रमोटर का शेयर होल्डर। अगर किसी भी कंपनी का प्रमोटर का शेयर होल्डर 60% से अगर ऊपर है तो आप उस कंपनी में लंबे आप जा सकते हैं। 60% या 50% से भी ऊपर है तो वो कंपनी अच्छा माना जाता है, क्योंकि कंपनी में जो कंपनी का मालिक है उस कंपनी के मालिक का कितना हकदार है कंपनी के ऊपर। अब कोई कंपनी में कंपनी का मालिक का 1% का हक है तो कंपनी क्या का मालिक उसका क्या काम करेगा कंपनी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि 99 रुपया तो दूसरे को ही देना है, 1 रुपया उनके पास बचेगा तो क्या काम करेगा ना। तो इसलिए ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना जिसका प्रमोटर का जो ये परसेंटेज है वो कम हो। जितना प्रमोटर का परसेंटेज होगा उतना बढ़िया कंपनी ग्रो करेगा, ये चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना है।